लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक में यूपी के लिए रोड मैप तैयार हो गया है। देर रात तक प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में चली बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया। तय हुआ कि भाजपा 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 6 सीटें सहयोगी दलों को मिलेगी। कुल मिलाकर 55 प्रत्याशियों की सूची फाइनल हो गई है। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अपना दल को 2 सीट भाजपा देगी। इसी तरह हाल ही में पाला बदल कर आए चौधरी जयंत के राष्ट्रीय लोक दल को भी 2 सीट मिलेगी। इसके अलावा सुभाष सपा और निषाद पार्टी को 1-1 सीट दी जाएगी। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रत्याशियों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय और गोवा के प्रमोद सावंत भी थे। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुरुवार को उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों समेत कई राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा। इनमें उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, त्रिपुरा, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और जम्मू कश्मीर शामिल है। जो संभावित नाम सामने आए हैं उनमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, संबित पात्रा, भूपेंद्र यादव जैसे कई नाम शामिल हैं।